आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कौन से शब्द में कहूं? वेदना है, तिरस्कार है, गुस्सा है। हमारी माँ, हमारी बहन आज खुलेआम जला जा रही है। हम सब वेदना के सहित यह वक्तव्य तो कर रहे हैं। मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि कितनी हिम्मत या डर कानून के बारे में रहा नहीं हमारे पास। कल क्या हुआ? तेलंगाना के पुलिस ने क्या किया? सही किया, बुरा किया? लेकिन दुनिया बहुत उनको आशीर्वाद दे रही है। मैं आपको इतनी प्रार्थना करूंगा, यहाँ चर्चा करते हम, कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए, जुडिशरी के माध्यम से जाना चाहिए। अब जुडिशरी के माध्यम से जाए तो निर्भया 7 बरस हुआ। मैं आपको अलग प्रार्थना करता हूं, इसके बारे में आप एक कमेटी गठित करिए पार्लियामेंट के महिलाओं और अन्य सदस्यों की, और उस पर कड़ी कार्रवाई। कितनी एक समय में, कम से कम समय में कैसे दे सकती है? और उसमें नीचे के किसी कोर्ट में नहीं जाना है। वो कोर्ट में नीचे जाएगा तो ऊपर की कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में, ऊपर आखिर राष्ट्रपति तक जाते हैं। यह सबको रोकना है, ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ जाएगी केस और सुप्रीम कोर्ट वही उसको सजा देगी तो उसी को एक महीने के अंदर करने की आप करें। एक ही बात के लिए तो विषय आ गया सदन, और हम सब इसके लिए सहमत हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी निगरानी में कमिटी बने और जल्द से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेकर कानून लेकर आए। वही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।